क्रमी अनशन का आज 40वां दिन है और इन 40 दिनों में जो भी डिपार्टमेंट यहाँ क्रमी अनशन पर बैठ रहा है काफ़ी उत्साह और उमंग के साथ बैठ रहा है, इस उम्मीद के साथ कि जो हमने मांग पत्र सरकार को दिया हुआ है उस मांग पत्र पर सरकार शीघ्र वार्ता कर उनके आदेश प्रसारित करेगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतना समय होने के बाद भी, राज्य सरकार को अवगत कराने के बाद भी, मुख्यमंत्री जी ने 16 तारीख को हमारा डेलीगेशन भी मिला, उनको फिर विस्तार से बता दिया गया कि हमारी जो ये मांग है वाजिब मांग है, जो प्रथम मांग हमारी सचिवालय के बराबर हमारे वेतन और पदोन्नति हो, जस्टिफिकेशन से हमने मुख्यमंत्री जी को बताया और मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वस्त भी किया कि नहीं भाई, पहले भी आप लोग 24 नवंबर को मेरे से मिले थे और ये आपकी जो मांग है ये जायज़ मांग है। उन्होंने उसी वक्त फिर सेक्रेटरी सीएमसी लोग्राम मैडम लोग्राम उनसे कहा कि इनका ये मांग पत्र लो और ACS अखिल अरोड़ा साहब से इनकी वार्ता करो। उस परिप्रेक्ष्य में एक बार हमारे डेलीगेशन की अखिल अरोड़ा साहब से बातचीत भी हुई है, दूसरी वार्ता कभी आज या कल में अखिल अरोड़ा साहब ACS बीच से हमारी वार्ता होने की पूरी संभावना है। लेकिन हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि जब तक सरकार वार्ता करे और वार्ता के बाद आदेश करे, आश्वासन तो काफ़ी मिल गए, अब आश्वासन वाला सिस्टम रहा भी नहीं और ना कर्मचारी हमसे पूछेगा कि बिना आश्वासन के साथ आप धरना मत उठाना, चाहे धरना और आगे बढ़े, चाहे इसको क्रमी अनशन को आमरण अनशन पर प्रारंभ करे, चाहे हड़ताल का आह्वान करे, लेकिन आदेश के कम में आप सरकार से कोई बातचीत नहीं करें जब तक आदेश नहीं है। हमारी जो मुख्य मांग है पहले भी आपको बताई है, पहली मांग हमारे सचिवालय के बराबर अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों के वेतन भत्ते होने चाहिए, जिसके हम हकदार हैं। 98 में हम अधीनस्थ और सचिवालय के बराबर हमारे वेतन और पदोन्नति हुआ करती थी, धीरे धीरे वो काफ़ी आगे बढ़ गए और अधीनस्थ के मंत्रालय काफ़ी पिछड़ गए। तो हमारी ये पहली मांग है कि सचिवालय के बराबर कैडर रिव्यू करके और हमारे सचिवालय के बराबर पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाए। दूसरी हमारी मुख्य मांग है कनिष्ठ सहायक का आरंभिक वेतन 25,500 किया जाए और पूर्व में जो कैडर रिव्यू के नाम से जो LDC UDC के जो पदों में कटौती की गई उनको पुनर्जीवित किया जाए और पदोन्नति में एक बार ये संशोधन दी जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। सूरज प्रकाश टाक।